भारतीय क्रिकेट टीम ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और ढेरों खिताब अपने नाम किए हैं। इन सब में हमारे देश के सभी खिलाड़ियों की बहुत ही अहम भूमिका है। तो आज हम लोग बात करेंगे सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की, जिसने भारत को वर्ल्ड कप दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा, जिन्हें सलामी बल्लेबाज, हिटमैन और शान जैसे नामों से भी जाना जाता है, इनका पूरा नाम रोहित गुरुनाथ शर्मा है। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 में महाराष्ट्र नागपुर के बसोर क्षेत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम पूर्णिमा शर्मा है, जो विशाखापट्टनम से है, और इनके पिता का नाम गुरुनाथ शर्मा है। वो किसी परिवहन कंपनी में देखरेख का काम किया करते थे। रोहित शर्मा के परिवार की आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से रोहित अपने दादा और चाचा के यहाँ रहकर पढ़ाई किया करते थे। उनकी परवरिश वहीं पे हुई है, जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में है। रोहित शर्मा क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे। उन्हें क्रिकेट खेलना बचपन से ही बहुत पसंद था। तो रोहित शर्मा ने सन 1999 में अपने चाचा की आय से एक क्रिकेट कैंप में एडमिशन ले लिया और वो खेलने में काफ़ी अच्छे थे, जिससे उनके कोच दिनेश लाड ने उन्हें स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन लेने को कहा, क्योंकि वहां दिनेश लाड बतौर टीचर कार्यरत थे। पैसों की कमी की वजह से बाद में रोहित शर्मा ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत ऑफ स्पिनर के तौर पर की, पर उनके कोच दिनेश लाड ने उन्हें सलाह दी कि वो बल्लेबाजी करें, क्योंकि वहाँ एडमिशन नहीं ले पाए। उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए भी ट्राई किया था, पर उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। उनकी काबिलियत बल्लेबाजी में ज़्यादा थी, वो बल्लेबाजी में बहुत अच्छा कर सकते थे। रोहित मुख्य रूप से सलामी बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। रोहित टेस्ट क्रिकेट, वनडे, 2020 और इंडियन प्रीमियर लीग भी खेलते हैं। इसके अतिरिक्त रोहित मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं और प्रेजेंट में रोहित भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान भी हैं। रोहित ने 20 साल की उम्र में अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी और जल्दी ही विश्लेषकों ने रोहित की बल्लेबाजी के हुनर को पहचान लिया और कुछ समय बाद उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। रोहित शर्मा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत 23 जून 2007 को आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलकर की। हालांकि उस मैच में रोहित को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया। रोहित शर्मा अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए 20 सितंबर 2007 को ICC वर्ल्ड कप 2020 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जबरदस्त 40 गेंद में 50 रन बनाए और मैच को जीता लिया। इसके कारण भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया था। उस मैच में भारतीय टीम ने महज 31 रनों में 4 विकेट खो दिया। बाद में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर 85 रन की भागीदारी की और भारत कुल 5 विकेट खोकर 153 रन तक पहुंच गया। साथ ही उस मैच में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को चुना गया। इसके अलावा रोहित 2020 में अपना पहला मैच 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। रोहित मूल रूप से आंध्र प्रदेश से हैं। उनका जन्म तेलुगु परिवार में हुआ है। वो बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे और क्रिकेट खेलने के भी शौकीन थे। उनके टैलेंट की पहचान उनके कोच दिनेश लाड ने एक समर कैंप के दौरान की थी। स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद ही उन्हें मुंबई की अंडर 20 टीम में खेलने का मौका मिला। रोहित ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर की शुरुआत वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ 9 नवंबर 2013 को कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेलकर की थी। 2013 की एक दिवसीय टीम के वे ओपनिंग बल्लेबाज बने और तब से लेकर आज तक वो ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। 2013 के उस मैच में रोहित ने 177 रनों की पारी खेली और दूसरे टेस्ट में वानखेड़ा स्टेडियम पर नाबाद 111 रनों की पारी खेली थी। रोहित अपना पहला टेस्ट खेलने से पहले भी 108 एक दिवसीय मैच खेल चुके थे। 13 नवंबर 2014 का मैच कौन भूल सकता है। 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर श्रीलंका टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 264 रन की पारी खेलकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन अर्थात सर्वोच्च स्कोर बनाकर कीर्तिमान रोहित शर्मा ने स्थापित किया है।
रोहित शर्मा एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जो वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक और 2020 अंतर्राष्ट्र में 3 शतक लगाई हैं। फोर्ब्स इंडिया 2015 में भारत के 200 शीर्ष प्रसिद्ध व्यक्तियों में रोहित शर्मा को 8वां स्थान मिला है। रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर के बाद अपनी टीम को आईपीएल खिताब दिलाने वाले तीसरे कैप्टन हैं। 2018 एशिया कप में रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी मिली और उन्होंने फाइनल मैच में बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता। रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग में बहुत ही सफल खिलाड़ी में से एक हैं और ये अंतिम गेंद में छक्के से जीतने में काफ़ी क्षमता रखते हैं। अब तक इनके नाम आईपीएल में एक शतक और एक तिकड़ी भी शामिल है। रोहित शर्मा ने पहली बार 2008 में आईपीएल 7,75,000 $ के लिए डेक्कन चार्जर्स के लिए हस्ताक्षर किए थे। रोहित 2008 इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी में से एक है। इन्होंने 36.72 की औसत से कुल 404 रन बनाए थे। इस कारण इनको 2008 आईपीएल में कुछ मैचों में ऑरेंज कैप पहनने का भी मौका मिला था। 2011 में रिकी पॉन्टिंग के आईपीएल से संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा इंडियन मुंबई टीम के कैप्टन हैं। रोहित शर्मा की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने 2015 में अपने बचपन की दोस्त रितिका से सगाई की और बाद में 13 दिसंबर 2015 को दोनों ने शादी कर ली। रोहित शर्मा 2008 से 2011 तक डेक्कन चार्जर्स के लिए खेले थे, पर वो 2011 से अब तक मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं, जिसमें दो बार 2013 और 2015 में उन्होंने टीम को विजय बनाया था। इसके अलावा रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 4 बार 2020 मैच जीता है, जिसमें 2011, 2013, 2015 और 2019 आईपीएल भी शामिल हैं। रोहित शर्मा की उपलब्धि की बात की जाए तो रोहित ने ढेरों रिकॉर्ड बनाए हैं और ढेरों अवार्ड जीते हैं। रोहित 2 अक्टूबर 2015 में दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने 2020 शतक लगाया और साथ ही एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। रोहित ने उस मैच में 66 गेंद पर 106 रन की पारी खेली थी। रोहित ने सबसे ज़्यादा चौकी और छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने कुल 186 चौकी और छक्के लगाए। रोहित शर्मा के नाम एक वनडे में सबसे ज़्यादा 16 छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा ने एक दिवसीय श्रृंखला में सबसे ज़्यादा वनडे में 491 रन बनाए, जो 2013 से 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। रोहित शर्मा ऐसे के बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक दिवसीय इतिहास में 3 बार दोहरे शतक लगाए हैं। रोहित दोहरे शतक लगाने वाले वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरे कैप्टन भी हैं। रोहित ने सचिन तेंदुलकर के सबसे अधिक छक्के, जो 80 हैं, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए। उन्होंने 81 छक्के लगाए हैं। रोहित 12 मई 2019 को इंडियन प्रीमियर लीग में 4 आईपीएल खिताब जीतने वाले इकलौते कैप्टन हैं। रोहित शर्मा को 2015 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, जो हर साल भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वनडे में दोहरे शतक लगाने के कारण इनको 2013 और 2014 में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के लिए आईपीएल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 में शतक के लिए 2015 में आईपीएल ने टी20 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी दिया है। रोहित शर्मा को 2019 में सीएटीआर पुरस्कार सम्मेलन में वनडे क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया। रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट का रुख कहीं भी मोड़ सकते हैं। वो हारे हुए मैच को भी जिता सकते हैं। इसी वजह से वो सभी दर्शकों के दिल पर राज करते हैं और उन्होंने ऐसे ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है।